दोस्तों, देखिए ये लोग भी दो हाय कर रहे हैं। हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हो कि आप लोग अच्छे होंगे। आजकल मैं वीडियो नहीं बना रही थी, कुछ प्रॉब्लम था। आज मैं शूट कर रही हूँ पहला बार। देखिए, मैंने होली में सोचा था कि बेडशीट वगैरह मंगाई थी कि बिछाऊंगी, करूंगी, लेकिन ऐसा समय आ गया कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई। कुछ ऐसी सिचुएशन ही आ गई थी कि होली हमारे यहाँ नहीं बन पाया। और दोस्तों, मैं होली की जो सामान कुछ बताई थी, लेकिन मैंने दो तीन बेडशीट और मंगवाई हूँ और पिल्लो कवर मंगवाई हूँ, वो सब मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारे दोनों बच्चे आपस में ही लड़ाई, मेरे गोदी में आ जाते हैं, बस वो बोलता है कि मैं बैठूंगा और ये बोलती है कि मैं बैठूंगा, बस इसी में झगड़ा हो जाता है। और मैं दोनों को संभालने के लिए देखे देखे कैसे काटाकाटी कर रहे हैं लोग। आप यहाँ बैठिए, आप वहाँ बैठिए, ठीक है? देखिए दोस्तों, मैंने सिल्क वाली, देखिए ये मैंने खोल के थोड़ा सा देखा था। हाँ, ये सिल्क वाली, ये देखिए, ये भी बहुत सॉफ्ट है। ये सब मैं फाइव पिल्लो के साथ एक पिल्लो मंगवाई थी दिवाली में, थोड़ा कलरफुल मैं मंगवाती हूँ। इनको नीचे उतारिए थोड़ा, वो भी उतर गया, तो पता नहीं कैसा है, मैंने देखा भी नहीं है अभी, आज मैं देख रही हूँ। तो देखने से तो ठीक ही लग रहे हैं दोस्तों। ये पिलो कवर है और ये बेडशीट है, ये सब कॉटन में है। देख लीजिए ये क्या कर रही हैं, फाड़ रही हैं इधर। वाह, देख लीजिए, नए बेडशीट को फाड़ रही हैं। फाड़ लीजिए, फाड़िए फाड़िए, लौटेगा धुनेगा, लौटाना चाहूँगी तो। अरे ओ बंदी, क्या कर रही हो? चलो चलो, बहुत बदमाश है दोस्तों। अब किसी दिन मैं बेड पर लगाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी, अभी तो मैं लगा नहीं पा रही हूँ। ये राजस्थानी, इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, क्यों डर गई? कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, क्या हुआ, इधर क्यों गई? कुछ गड़ा है इसको। ये राजस्थानी लुक में है दोस्तों, मुझे ये डिजाइन थोड़ा पसंद आए थे। कपड़ा भी अच्छे हैं, कॉटन में ही है। मैं इसको, इसका लुक बहुत अच्छा लगा था मेरे को। देखिए ये पिल्लो कवर मोर बना हुआ है दोस्तों, और ये बेडशीट में भी एक साइड से मोर बना हुआ है, मतलब कि चारों तरफ ऐसे डिजाइन किया हुआ है और एक कॉर्नर में एक मोर बना हुआ है। बिछाऊंगी तो दिखाऊंगी दोस्तों, ये भी कॉटन ही है। मैंने ऐसे ही पिल्लो कवर मंगवाया था दो चार, कि कभी कभार कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो एक्स्ट्रा पिल्लो पिल्लो नहीं रहने से मुझे प्लेन पिल्लो अच्छा लगता है, तो मैंने प्लेन पिल्लो ऐसे ही मंगवाया था। मैं एक पीस खोल कर दिखा रही हूँ, दो दो का ही है। मैंने बोला ना कि मुझे याद ही नहीं लगती है। अच्छे लगे थे, चैन बहुत बढ़िया है, कपड़ा बहुत ही अच्छा है, चैन लगा हुआ है। ऐसे गेस्ट वगैरह आए तो तकिया वगैरह एक्स्ट्रा रखा रहता है तो फट से लगा दिया, और फिर भी अच्छा रहता है कि कुछ घर में एक्स्ट्रा रहना चाहिए। ये चार नहीं, छह पीस होंगे दोस्तों, दो ये हैं और दो पिंक हैं, नहीं चार नहीं, दो लाइट पिंक हैं, छह पीस हैं, छह पीस मैंने इसको मंगवाया। और ये ज़्यादा दाम की नहीं है दोस्तों, मतलब सस्ता ही पड़ा था मेरे को, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा था, इसीलिए मैंने इसे मंगा लिया था। अब याद नहीं है मेरे को, लेकिन मैं देखूँगी टैब पर कि इसका क्या दाम है, तो फिर मैं आप लोगों को नीचे लिख दूँगी इसे क्या दाम, खास दाम ज़्यादा दाम तो नहीं है। और मैंने होली में पहनने के लिए इनको मंगवाया था पैजामा और कुर्ता, लेकिन इस बार होली मनी नहीं हम लोगों की, ऐसे ही रह गया, अब आगे साल काम आएगी नहीं तो अभी किसी फंक्शन में पहन लेंगे दोस्तों। ये होली वाला ड्रेस पहन था मेरा, पहले से आया हुआ था तो मैं तो मेरा भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो पहने नहीं थे क्योंकि होली मनी नहीं थी हमारे यहाँ, तो होली मनाया ही नहीं था। और इसमें किया, हाँ ये वाइट कलर का सिल्क में मैंने मंगवाया।
रहता है कि वाइट में भी अच्छा रहता है, फूल कलर नहीं होते ये वाइट में, ये हो जाता है मतलब डल जाता है। और मैंने एक एजहॉक्स फैन मंगवाया था बाथरूम के लिए, बाथरूम में लगवाने के लिए। देखिए दोस्तों ये एकदम छोटी सी है, ये बाहर की तरफ रहेंगे, ये अंदर की तरफ रहेंगे, इसके प्लेट वगैरह निकले पड़े हुए हैं, सब लगाने पड़ेंगे, उनके लगाने पड़ेंगे, सब ये निकले पड़े हुए तो मंगाई, ये सारा अमेजन से है। शायद कुर्ता पजामा मैंने मंगवाया है मिंत्रा से, हाँ कुर्ता पजामा मैंने मंगवाया है मिंत्रा से दोस्तों, और सारा चीज़ें अमेजन का है। ये क्या है भाई इतना मेहनत से? अच्छा ये टेन द ग्लो, ये गोल्डन कलर का विंडो कवर है, वाह इसको कितने अच्छे से पैकिंग किए हुआ है दोस्तों, देखिए ये इस तरह से पैकिंग करके अमेजन ने दिया था, दिख रहे हैं, एक गोल्डन करके मंगाया था मैंने, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। अभी होली में छूट चल रही थी दोस्तों, उसी छूट में मैंने ये सारी चीज़ें मंगवाई हैं, अभी पता नहीं क्या दाम होगा, लेकिन दाम कम ही थे, ज़्यादा दाम नहीं थे, इसलिए सब ने दिया है, ये मुझे याद ही नहीं था कि मैंने गोल्डन कलर में भी मंगवाया था, इस कार्टून को हटा दिया। और एक कार्टून है दोस्तों, ये क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बज रहा है जैसे क्या है ये, ओ अच्छा 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 समझ में गई दोस्तों, मैंने ये एक मसाला बॉक्स मंगवाया था लकड़ी का, देखिए कितने अच्छे से पैक करके दिया है, कि ये लकड़ी टूटी नहीं, ग्लास टूटे नहीं, शीशा था सामने से, मैं कटोरी में मसाला रख के आप लोगों को दिखाती थी ना, अब ये मैं इसी सारे में मैं मसाला रखूँगी, और इसको मैं मेरे को एक साथ ही निकाल लेना, ये कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा, ये लकड़ी का मसाला बॉक्स, मेरे पास स्टील का है एक लेकिन बहुत पुराने हो गए हैं, वो मुझे कुछ चेंज करनी थी किचन में नई, तो मैंने इसे मंगवाया है, देखने में तो अच्छा लग रहा है दोस्तों, देखते हैं खोल के कैसा है, इधर से खुलेगा भाई, ग्लास बचाने के लिए दोस्तों ये बहुत बढ़िया से इन्होंने इसको पैक किया था, और ये खोलने वाला देखिए दोस्तों कितना अच्छा से खोलने वाला ये है, ऐसे लगाने वाला है, बहुत ही अच्छा है और बढ़िया से लगा हुआ है। और ये देखिए दोस्तों ये है 12 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मसाले इसमें आराम से आ सकते हैं, और एक छोटी सी चम्मच उन्होंने दी है, और मसाले का भी अच्छा खासा मतलब 50 ग्राम मसाले इसमें तो आराम से आ जाएंगे, तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं दोस्तों, देखिए ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, और ये पता नहीं मैं इसका बॉक्स देख के बताती हूँ कि किसका है ये दोस्तों इसका है, क्या बोलते हैं नया आया हुआ है, ये नेस्टेसिया का नहीं है, कोई उसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं टैग में देख के बताऊंगी दोस्तों, ये भी अच्छी कंपनी है, लकड़ी के सामान बना रही है, अभी नई नई अभी दो तीन साल से ये ब्रांड आई हुई है, और इसकी ब्रांड अभी काफ़ी चल रही है, रोटी वगैरह रोटी केस वगैरह बहुत अच्छे हैं उसके, महंगे तो हैं लेकिन बहुत ही अच्छे हैं, और चम्मच ये सब कलछी उलछी भी उसकी अच्छी क्वालिटी का है, मैं नाम लिख दूँगी, मुझे याद नहीं आ रहे हैं कि किस ब्रांड का नाम लिखा हुआ नहीं है इस पर। और देखिए दोस्तों मेरा आज का पैकिंग, आज का अनबॉक्सिंग इतना ही, मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अनबॉक्सिंग करके दिखाना चाहती हूँ, अभी तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ, कारण कि अभी कुछ अच्छा खाना भी नहीं बन रहा है ना कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, तो सोच रही हूँ कि सारा अनबॉक्सिंग करके किचन को सेट करना है दोस्तों, किचन का ढेर बहुत सारा सामान मैंने मंगवाया है, और
उसे अनबॉक्सिंग करना है मेरे को, लेकिन पता नहीं मन ही नहीं कर रहा है करने को, लेकिन अब करूँगी, मतलब मैं अब सोच करती हूँ कि करूँगी। ये बहुत अच्छा चीज़ आया है दोस्तों, देखिए इसमें रबड़ लगे हुए हैं, देखो रखने पर भी ये ऐसे नहीं कि कुछ होंगे, बहुत ही आराम, बहुत अच्छे हैं और लकड़ी बहुत ही अच्छी है, इसकी फिनिशिंग वगैरह बहुत अच्छे हैं, देखिए स्मूथ, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि हाथ में कुछ ये जाएगा ये होगा, बहुत ही स्मूथ है दोस्तों, ये बहुत अच्छी है। और दोस्तों आज का अनबॉक्सिंग आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल पर जाके सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें दोस्तों, और आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। बाय बाय दोस्तों।